वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर के बारे में क्या कहा। एंड सो नेक्स्ट वन, रोमन रेंस को मिला है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक नया अवार्ड। एंड सो नेक्स्ट वन, फोर हॉर्समैन का हमें रियूनियन देखने को मिल सकता है एईडब्ल्यू के अंदर। एंड सो नेक्स्ट वन, कौन से नए गोल्ड मेडलिस्ट सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन करने वाली है। सो इन सारी थिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और भी रेस्लिंग रिलेटेड अपडेट्स है। सो लॉन लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। वेल फर्स्ट थिंग जो कि बुकर टी की तरफ से आ रही है, तो वेल बुकर टी हॉल ऑफ फेमर ने एक बहुत ही खतरनाक कही है। एंड वो खतरनाक बात ये है कि MJF को, हाँ मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन को, उन्होंने कह दिया है न्यू रिक फ्लेयर, मतलब इस एरा का रिक फ्लेयर उन्होंने कहा है। तो वेल वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस थिंग के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो वेल वैसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वे तो मतलब सभी लोग जानते ही हैं। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि हमें पता चली है ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से। तो वेल ब्रॉन स्ट्रोमन जो कि उन्होंने रिसेंटली वो अपने इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहे थे, तो वेल उस Q&A में इनसे एक सवाल पूछा गया। तो वेल उस सवाल में इन्होंने कहा कि मैं वो बनना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में मोटिवेशनल स्पीकर, भाई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। तो वेल इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल वैसे आपको क्या लगता है कि भाई मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, तो वेल आपको कैसा लगेगा वो चीज देख के। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि वेल तो WWE की तरफ से हमें एक नया अवार्ड देखने को मिला है। वेल वो अवार्ड जो कि WWE के यूट्यूब पे जो हमें देखने को मिलता है द बंप शो, तो वेल वहां से वो अवार्ड निकला है, मतलब द बंपी अवार्ड वो निकला है। एंड वो बम्पी अवार्ड निकलने के बाद तो पहला ही बम्पी अवार्ड जो कि हाफ ईयर का, वेल हाँ ये हाफ ईयर का बम्पी अवार्ड हमें जो देखने को मिला है वे देखने को मिला है। और उसको मतलब पहला जो अवार्ड दिया गया वो रोमन रेंस को दिया गया है। एंड रोमन रेंस ने पहला ही हाफ ईयर जो अवार्ड लिया, वेल मतलब उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पे दिया गया है। वेल इसके बाद वहाँ पे उन्होंने मतलब रोमन रेंस ने कहा कि ये हाफ ईयर अवार्ड मुझे नहीं चाहिए, मेरी जगह इसे जॉन सीना को दे दो। वेल जॉन सीना इसके लिए अच्छे हकदार हैं। वेल मतलब रोमन रेंस का कहना ये था। वेल बेसिकली बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कह दी, एंड एक तरह से बहुत ही अच्छा खासा टॉन्ट भी दे दिया है जो कि इंटरेस्टिंग था। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग, वेल तो हमें फोर हॉर्समैन का हमें रियूनियन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वेल जो कि हमें कितने दिनों बाद ये सभी दोस्त देखने को मिलेंगे, एंड ये रियूनियन पॉसिबली हमें जो कि रूमर्स देखने को मिल रहा है, ये रियूनियन हमें पॉसिबली जो कि AEW में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आधे से ज्यादा जो फोर हॉर्समैन के सुपरस्टार थे, एक दो सुपरस्टार्स, वो हमें जो कि AEW के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एंड रिक फ्लेयर के रिलीज होने के बाद तो अब इसके चांसेस और भी बढ़ गए हैं। सो देखते हैं हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। एंड फोर हॉर्समैन का मतलब हमें रियूनियन देखने को मिलेगा, सो AEW के अंदर वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि मतलब बेस्ट थिंग बन सकती है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि WWE हो सकता है हमें फ्यूचर में साइन करते हुए दिखाई दे जाए एक और ओलंपिक मेडलिस्ट सुपरस्टार को, गोल्ड मेडलिस्ट सुपरस्टार को। वेल वो सुपरस्टार एक वुमन रेस्लर हैं, एंड उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जीता है इस साल, जो कि उनका नाम है कैमरा मैनशा। वेल उनका ये नाम है, एंड वो हो सकता है कि हमें पॉसिबली जो कि WWE के अंदर मतलब कंपीट करते हुए दिखाई दे सकती हैं। वेल रिसेंटली उनको इंटरव्यू में पूछा गया, तो वेल उन्होंने कहा कि मतलब मैं रेसलिंग देखती हूँ एंड मैं चाहना चाहती हूँ, वहाँ पे उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा। सो वेल हो सकता है कि हमें इस चीज़ को मतलब WWE ने भी अपने सोशल मीडिया पे वहाँ पे उन्होंने भी डाला जो कि WWE ने भी, सो पॉसिबली हमें ये थिंग देखने को मिल सकता है कि फ्यूचर में हमें वो WWE के साथ काम करती हुई दिखाई दे जाए, जो कि ओवरऑल इंटरेस्टिंग होगा। एंड कर्ट एंगल के बाद एक और हमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो कि देखने को मिलेंगे, वेल तो इंटरेस्टिंग होता है। वेल देखते हैं क्या थिंग हमें ये देखने को मिलता है या फिर नहीं। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि जॉन सीना की तरफ से आ रही है, तो वेल जॉन सीना ने बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बातें कही हैं WWE के लिए। वेल तो यहाँ पे जॉन सीना का कहना ये था कि जो कि WWE अभी फिलहाल पार्ट टाइमर्स के साथ ज्यादा काम कर रही है, एंड उनके ऊपर एंड थोड़े मतलब नए रेस्लर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रही है, एंड न्यू जनरेशन के रेस्लर अभी बन नहीं रहे हैं फिलहाल तो उतने अच्छे तरीके से। सो वेल WWE को उस चीज पर ध्यान देना चाहिए, एंड अभी पार्ट टाइमर्स के साथ में जो कि WWE चला रही है, एल मे भी हो सकता है ये फ्यूचर के लिए हमें थोड़ा बुरा देखने को मिले। वेल जो कि उन्हें नए सुपरस्टार्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वेल जॉन सीना का ये जो बात था ये बिल्कुल सही बात मतलब कहना था। वेल जैसा कि तुम देख ही सकते हो बॉबी लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग, वेल बॉबी लैशली सही है लेकिन ठीक सुपरस्टार है, लेकिन गोल्डबर्ग एक पार्ट टाइमर। एंड उसके बाद जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस, एंड जॉन सीना भी लाइक तुम्हें पार्ट टाइमर की कैटेगरी में ही नजर आते हैं। एंड सो नेक्स्ट वन एज वर्सेस, जो कि एज वर्सेस हमें देखने को मिल रहा है सेथ रॉलिंस का, तो वे भी एक पार्ट टाइमर ही हुए एज भी। सो मतलब इन सभी सुपरस्टार्स के ऊपर WWE रिलाई कर रही है, एंड नए सुपरस्टार के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दे रही है। सो वेल इस चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है WWE को। एंड वैसे में भी हमें बहुत सारे सुपरस्टार जो कि रिलीज होते हुए दिखाई दिए, लाइक द फिंड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एंड उसके बाद अलिस्टर ब्लैक, मतलब ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स हमें रिलीज होते हुए दिखाई दिए। तो वेल यहाँ पे नए सुपरस्टार्स बिल्ड करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए WWE को। वेल वैसे तो बात तो सही थी जॉन सीना की। तो वेल आपका क्या ओपिनियन इस थिंग के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताना। वेल इनमें से कौन सी न्यूज़ पसंद आई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको बुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।